हे hey गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा मन था आलू चाट बनाने का, तो मैंने क्या किया, आलू को पील कर लिया, आलू कट कर लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने जो पोटैटोज़ हैं इनको बॉयल होने रख दिया। और जब ये बॉयल हो गया तो एक प्रोसेस होती है जिससे हम स्टार्च रिमूव करते हैं पोटैटोज़ का। तो हमने इसमें उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो कोल्ड वाटर डाल देते हैं, तो इसमें मैंने कोल्ड वाटर पुट किया। और क्योंकि मेरे पास कोल्ड वाटर नहीं था एक्चुअल में, तो फिर मैंने नॉर्मल वाटर के साथ आइस डाल दी थी छोटू सी, तो ऐसा कर लिया था। और उसके बाद हमने ऑयल लेना है मीडियम फ्लेम पे या उसके बाद इसमें ये जो पोटैटोज़ हैं इनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे, फिर हम इसको हाई फ्लेम पे एक और बार फ्राई कर लेंगे। और फिर ये जो है अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। या उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एवरेस्ट का चाट मसाला लाइए, उसको डाल दीजिए इसमें, प्लस हम नमक पुट कर देंगे इसमें, और फिर उसके बाद लेमन डाल देंगे, और फिर ये हमारा टेस्टी चाट तैयार है।